गाइस रात के बज रहे हैं अभी 10 और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए, और ये है टैक्सी हमारी और 50 रुपये पर पर्सन यहाँ से जो है किराया है गौरीकुंड का। और यहाँ डिक्की में बिठा दिया है हम लोगों को यहाँ। ये लोग भाई साहब आगे बैठ चुके हैं और गाड़ी चल चुकी है। हर हर महादेव, हर महादेव। A few moments later. तो ये पहुंच चुके हैं अभी हम लोग यहाँ पे गौरीकुंड। आओ हर हर महादेव, हर महादेव। 1 किलोमीटर और बता रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। हाँ तो अंकल जी पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ से बता रहे हैं कि 16 किलोमीटर जो है जो पैदल ट्रैक है और वैसे 19 किलोमीटर का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो। अरे भाई जी चला कैसे लेते हो यार? अरे गजब यार, मजा आ गया भाई का। हाँ यार। सो गाइस रात को 11 बजे हमें ये कमरा मिला, देखो। ओ हो हो हो, तो ये है देखो कमरा। और भाई साहब ठीक हो रहा है? बहुत बढ़िया। अरे क्या हो गया अंकल, थक गए क्या? अरे नहीं, कैसे? अरे वाह, अरे बिल्कुल जय भोलेनाथ। और वहाँ पर पंकज भाई सोए हुए, तो ये इतना लंबा चौड़ा बेड बना रखा है हमारे लिए, तो आज हम इसी पे रेस्ट करेंगे। तो अभी चल रहे हम लोग खाना वाना खाने के लिए, बिल्कुल भूख लगी हुई है। तो चले सोचने से, बिल्कुल विनोद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिर खाना खाने चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। और अभी हम लोग जो है यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, गौरीकुंड में है और यहाँ से निकल रहे हैं आज हम केदारनाथ धाम के लिए। आप लोगों को भी कराते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन। सो लेट्स गो, हर हर महादेव। सो ये है चेक पोस्ट गौरीकुंड का और यहाँ से स्टार्ट हो रही है यात्रा। तो यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। हर हर महादेव, हर महादेव। सो गाइस जस्ट अभी हम शायद 1 किलोमीटर आए होंगे, क्यों भाई? 1 किलोमीटर। और यहाँ से श्री केदारनाथ धाम कितना दिख रहा है? 15 किलोमीटर। और जंगल चट्टी है, फर्स्ट स्टॉपेज हमारा 3 किलोमीटर, वहीं पे हम लोग नाश्ता करेंगे। बाकी ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। सो यहाँ पे आप लोगों को हर मोड़ पे ऐसे चाय के स्टॉल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग चाय वाय सब इंजॉय कर सकते हैं। बाकी हल्के हल्के चलते रहिए श्री केदारनाथ धाम। वो देखो ऊपर से एक वाटरफॉल आ रहा है, पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधान पूर्वक चले। तो यार आपको ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल ना आपको रास्ते भर दिखाई देंगे। चलो चलो चलो। हर हर महादेव। तो करीबन हम लोग 1.5 किलोमीटर के आसपास चल चुके होंगे। मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आराम आराम से चलो, क्योंकि बहुत दूर जाना है। तो रेगुलर चलते रहोगे ना छोटे छोटे स्टेप लेके, तो थकान उतनी नहीं लगेगी। लेकिन अगर तेज़ तेज़ चलोगे ना तो उतनी ज़्यादा थकान लगेगी। तो आराम आराम से चलते रहिए गाइस। ये लोग बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं लोग। ये बार बार बैठ जा रही है, इनकी वजह से रुकना पड़ रहा है हम लोगों को। ये गलत बात है, पता चल रहा है यार वो नीचे शूट करते हुए कौन आया। पंकज भाई कहाँ हैं? पंकज भाई फिर उधर चले गए यार। आप कृपया रोड के इस साइड आए। अरे ओ भाई साहब, घोड़े वाले आराम से। ओके ओके, हमारा घोड़ा दबा दिया था अभी तुमने। हर हर महादेव, जय भोले की, बम भोले। गाइस जब यात्रा स्टार्ट हुई थी ना, हम लोग 3-4-5 लोग सबके सब साथ में थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, क्योंकि चला नहीं जा रहा। घोड़े की लग गई यार, आराम से यार, मारना मत उसको। नहीं मार, जो आप सोच रहे हो ना घोड़े में जाके जो है पहले पहुंच जाओगे, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। जो पैदल चलने में मजा है ना, वो आनंद जो पैदल चलने में आनंद है, का आनंद है जो शंकर जी को क्या? जो हमारी भक्ति है ना ये, अगर हम हवाई जहाज और सुख सुविधाओं से देते फिर क्या फायदा? तो
कुल मिला के घोड़े पे जाना भी थोड़ा सा रिस्की है। देखो कैसा गिरा हुआ घोड़ा धड़म करके, थक भी क्या बेचारा, थक गया ना। और एक चीज़ है यार, यात्रा करो तो अपने पाँव पे करो यार, दूसरे को कष्ट पहुँचाएंगे कोई दिक्कत, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि पूजा तो घर से भी हो सकती है, पूजा तो घर से भी हो ही सकती है, पूजा तो घर से वो वीडियो कॉल पे हो जाएगी, वीडियो कॉल पे हो जाएगी। लेकिन जो पैदल जो जाने का मजा है ना भाई साहब, वो तुम एक घोड़े में और हेलीकॉप्टर में नहीं ले पाओगे। हाँ यात्रा करनी है, हाँ तो उस उम्र तक कर लो जब तक आप पैदल जा सकते हो। हाँ उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ऑक्सीजन की भी, हाँ ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है ऊपर, पैदल ही चलो कुल मिला के। रोड की कंडीशन कुछ इस टाइप में है, हल्के हल्के खड्डे मिलेंगे आपको रास्ते भर, बारिश की वजह से हल्का हल्का कीचड़ है, बाकी कुछ ये घोड़ों ने परेशान कर रखा है यार, बिल्कुल चलने की जगह नहीं दे रहे लोग। पीछे से कैसे आ रहेगा, साइड 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 चढ़ाई दे रहे यार वो तो ऊपर आया, दो बार बज गया। वो देखो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, देवों के देव महादेव। अभी गोप्रो में इतना विजिबल हो पा रहा है या नहीं, लेकिन सामने जो है हमको हिमालय पर्वत के दर्शन हो गए और हम लोगों को वहीं जाना है अभी, श्री केदारनाथ धाम। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हेलीपैड, हेलीपैड कैसे हो गया भाई ये है, तो बता रहे कि ये हेलीपैड है। तो 2 किलोमीटर आने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। दामी जी थकाई कैसी, थकाई का आलम कैसा है, हमारा आने तो फिर भाग जा रहे हैं। थकाई का आलम कैसा है मेरे को ये बताओ। थकाई तो नहीं हो रही, पटाई हो रही है, पटाई हो रही है इसको, क्या बताऊँ। सो गाइस यहाँ पे जो है घोड़े चल रहे बिल्कुल सूखे में और हम लोग चल रहे बिल्कुल गीले गीले में, ये हाल है। तो ये एक छोटा सा हेलीपैड है, इमरजेंसी हेलीपैड कह सकते हैं इसको। हम 2 किलोमीटर आए ना, टाइम देखा मैंने 2 घंटे लगे, तो 15 किलोमीटर में 15 घंटे। तो किस टाइम पहुँचेंगे हम लोग, पहुँचेंगे शाम को 6 बजे, हम आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तो 6 बजे के अप्रॉक्स हम लोग पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा हमारे साथ, कैसा रहा, आप कुछ कहना चाहेंगे। फिलहाल ठीक हो रहा है, आप बहुत मज़ा आया, कछुए की तो चल रहा है बस, कछुए की तरह। ये बात सही कही है आपने, वो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, वो देखो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, खरगोश की तरह चल रहा है, तितर नहीं बनना जीवता की तरह, तितर नहीं बनना, तितर बनना है वो आगे आगे जा रहा है। तो ये है बिस्कुट, थोड़ा सा एनर्जी के लिए हम लोग ये बिस्कुट टेस्ट करेंगे। सो स्पेशल थैंक्स टू रेनू, रेनू बुआरी हमारी। वैसे गाइस गौरीकुंड से यहाँ तक हर मोड़ पे लगभग एक टॉयलेट है, एक उनमें से ये है। तो फिलहाल तो मैं गौरीकुंड से लेके यहाँ तक आया, 3 टॉयलेट मिले और तीनों में से एक भी नहीं खुला है, खाली नाम मात्र के टॉयलेट हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं भैरव मंदिर चीरबासा पे, ये है सामने मंदिर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम पे जंगल चट्टी, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टॉयलेट की भी व्यवस्था है और यहाँ पे एक मेडिकल रिलीफ पॉइंट है, तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है आपको तो यहाँ पे अवेलेबल है। अरे पंकज भाई, तो अभी हम लोग आए हैं 3 किलोमीटर और अभी हम लोगों को यहाँ से आगे जाना 12 किलोमीटर आगे, श्री केदारनाथ धाम। तो यहाँ पे जंगल चट्टी में आपको मेडिकल रिलीफ पॉइंट के साथ साथ एक वाईफाई जोन भी मिलेगा, तो यहाँ पे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, वाईफाई भी फ्री है यहाँ पे। आ रहा है कुछ वाईफाई में, स्पीड तो बहुत तगड़ी आ रही है। कितनी आ रही है, 6.2 kbps kbps। केदारनाथ धाम पर आपका स्वागत है गाइस। इनका यार पैर का कोऑर्डिनेशन देखो जरा, अरे लेफ्ट राइट बिल्कुल दो सबके पैर सेम। वो डोली देखी अंकल आपने, कितना सही था ना, मतलब कि चारों में जो है ना एक संबंध है, ताल में जिसे कहते हैं, एक साथ में चल रहे हो लोग बिल्कुल। और कितनी मेहनत है वैसे देखी जाए, सब पेट के खाते थे, पेट के खाते थे और कुछ भी नहीं, तो एक आदमी को लेके 4 आदमी जा रहे हैं, वो भी 15 किलोमीटर
19 किलोमीटर। तो गाइस अभी हम लोग हैं रामबाड़ा पे, तो यहाँ से जो डिस्टेंस रह जाती है केदारनाथ धाम की वो है 10 किलोमीटर। तो फिलहाल हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में दिखाएंगे यहाँ से लेके केदारनाथ तक का सफ़र। तो यार अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो दिस इज संदीप सिंह धामी शाइनिंग ऑफ फ्रॉम केदारनाथ। फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदारनाथ।